एकदम रबड़ीदार, मलाईदार, गाढ़ी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कोई भी तीज त्यौहार हो, सबसे पहले जो मिठाई हम सबके घर में बनती है वो होती है स्वादिष्ट खीर। तो चलिए इस बार बनाते हैं एकदम अलग और बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खीर, वो भी मिनटों में। ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, ना तो आपको मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क डालना पड़ेगा, ना घंटों दूध को पकाना पड़ेगा। मिनटों में तैयार, और देखने के बाद आप हर बार यही खीर बनाना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हो, तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके अपने चैनल रेखा की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो झट से बनने वाली और देखते ही मुँह में पानी आ जाने वाली ऐसी कैरमल खीर की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए झट से इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बासमती राइस ली है, बिल्कुल छोटे वाली है। तो इसे मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करके इसे मैंने 30 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, 30 मिनट रखने के बाद, यानी आधे घंटे के बाद, हमारी राइस बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुकी है। और जब मैं इसे हाथों से दबा रही हूँ ना, तो ये बहुत ही आसानी से टूट जा रही है। तो इस तरीके से इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रखने के बाद हमारी जो खीर बनती है ना, वो बहुत ही झटपट से बनती है, और एकदम गाढ़ी, रबड़ीदार, मलाईदार हमारी खीर बनती है। तो सबसे पहली टिप्स है कि जब भी आप खीर बनाएं, तो चावल को आधे घंटे पहले भिगो कर रख दें, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। तो ये देखिए, जब मैं इसे हाथों से दबा रही हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से टूट जा रही है ना, तो बस इसी तरीके से हमें चावल को 30 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। अब इस खीर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ और अलग से तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 4 इलायची, और थोड़ी सी अपने पसंद की मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और थोड़ी सी मैंने किशमिश ले रखी है। यहाँ पे और भी यदि आपको कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप उसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इलायची को अच्छे से कूट लेती हूँ, ताकि इसका फ्लेवर जब मैं खीर में डालूँ ना, तो बहुत ही खुल करके आए। इलायची का फ्लेवर खीर में और मिठाई में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने इसे कूट करके रख लिया है। अब चलिए खीर को बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध को देखिए, मैंने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। दूध में हल्की हल्की मलाई भी आ चुकी है। वैसे अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, या ऐसे भी आप लोग खीर बनाते होंगे, तो आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि हमें यहाँ पे फुल फैट दूध का यूज़ करना है। लेकिन आज की ये जो रेसिपी है, मैं आपको पतली दूध से आपको गाढ़ी और मलाईदार, रबड़ीदार आपको खीर बनाने की टिप्स बताऊँगी। तो ये हमारी गाय की सिंपल सी प्लेन वाली दूध है, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है। यहाँ पे जो मैंने चावल भिगो करके रखे थे ना, उस दूध में जैसे ही उबाला आ गया, तो मैंने चावल को इसमें ऐड कर दिया है। तो आज की ये जो खीर बनेगी, बिल्कुल ही मेरी गाय की पतली दूध है, और पतली ही दूध से मैं आपको ऐसी सीक्रेट बताऊंगी ना, कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो बस चावल को डालते के साथ हमें इसे एक बार तले से अच्छे से चला देना है, ताकि चावल नीचे में चिपक ना जाए, और बीच बीच में हमें इसी तरीके से इसे लगातार चलाना भी है, जब तक चावल थोड़ा सा इसमें अच्छे से कुक ना हो जाए और दूध भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो बीच बीच में हमें इसी तरह से नीचे से इसे लगातार चलाते भी रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इस चावल को कुक होने देती हूँ। तो ये देखिए, अभी 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और हमारी चावल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बहुत जल्दी ये खीर बन जाती है। ये जो मैंने टिप्स बताया ना, चावल को आधे घंटे पहले भिगो कर रख देने से, ये टिप्स खीर बनाने के समय हमें बहुत ही काम आती है। हमारी गैस भी बचती है, और हमारा समय का भी बचत होता है। तो देखिए, हमारा चावल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी, सिर्फ 8 से 9 मिनट हुए, और बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी कि 2 कलछी में यहाँ पर खीर को अलग से निकाल लेती हूँ, और इसे मैं इसी तरीके से कुक होने देती हूँ। और ये जो अभी मैंने निकाला ना, इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लूँगी। तो 2 कलछी मैंने खीर यहाँ पे निकाल करके ठंडा करके, इसे हमें बिल्कुल ही फाइन सा पेस्ट इसका बना लेना है।
ये देखिए हमारी कंडेंस्ड मिल्क एक तरह से बन करके, चावल की कंडेंस्ड मिल्क हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे गैस पे ले रही हूँ, एक भारी तले की कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई या पैन आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपकी खीर में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। और यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, इसे मैंने बारीकी से कट कर लिया है, और कट करके इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4-5 सेकेंड के लिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, बस हल्की सी इसे क्रंची बना लेना है फ्राई करने के बाद। तो इस तरीके से जब आप इसे क्रंच करके डालेंगे ना, और जब आप खीर खाएंगे तो ये जब आपके मुँह में जाएगी खीर के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का। तो इस तरीके से आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, और रोस्ट करके इसे हम वापस से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे काजू और बादाम रोस्ट हो रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे जो किशमिश रखी थी ना, उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। किशमिश मैंने थोड़ी सी बाद में डाली है क्योंकि वो जल्दी जल जाएगी। तो ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और इस ड्राई फ्रूट्स को मैं निकाल करके अलग से रख लेती हूँ। इस तरीके से जब आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालेंगे तो खीर में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, और इसे मैंने प्लेट में निकाल करके रख लिया है। अब यहाँ पे जो घी बचा हुआ है ना इस कढ़ाई में, तो अब यहाँ पे मैंने 125 ग्राम मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। 1 लीटर हमारी दूध थी, तो उस दूध के हिसाब से यहाँ पर 125 ग्राम मैंने चीनी ली है। और इसी घी में डालकर हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, यहाँ पे हमें इस चीनी का कैरमल तैयार करना है। तो इसका कैरमल मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि कैरमल आप जब भी बनाए तो बिल्कुल ही फ्लेम को लो रखें, और लो फ्लेम पे जो हमारी कैरमल बनती है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है हमारे कैरमल में, और बहुत ही शाइनी हमारी कैरमल बन करके तैयार होती है। तो देखिए कुछ ही मिनटों में हमारी ये कैरमल बन करके तैयार हो जाएगी। देख रहे ना किस तरीके से चीनी बहुत जल्दी यहाँ पे मेल्ट होने लगी है। और बस देखिए देखते देखते चलाते चलाते 3 से 4 सेकेंड में ही हमारी चीनी अच्छे से कैरमल हो जाएगी। तो मैं इसे अच्छे से पहले कैरमल होने देती हूँ। यहाँ पे चीनी के थोड़े से दाने आ गए हैं, बट ये जैसे जैसे गर्म होगी ना, देखिएगा हमारी चीनी, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मेल्ट होने लगी है। तो इस तरीके से आप कैरमल बना करके, चीनी यहाँ पे मैंने 125 ग्राम लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये जो 125 ग्राम जो चीनी है ना, 1 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप आँख बंद करके इस मेज़र को आप यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी कैरमल बन करके तैयार हो चुकी है, और अब बस इस कैरमल को हमें खीर में ऐड कर देना है। तो ये देखिए कितनी शाइनी हमारी कैरमल बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी कैरमल बन करके तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें चीनी के क्रिस्टल ना जम पाए इसलिए मैं इसमें 2 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि पानी यदि ऐड नहीं करेंगे तो कैरमल का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस इतना ही डालना है ताकि चीनी के क्रिस्टल ना जम पाए। तो ये देखिए हमारी कैरमल बन करके तैयार हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और वापस से मैं अपने खीर को गैस पे रख देती हूँ, और यहाँ पे जो मैंने कैरमल तैयार किया था ना, उसे मैं वापस से इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए कैरमल डालते के साथ ही हमारे खीर में बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आ गया है, और बहुत ही डिफरेंट कलर हमारी खीर का आया है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वाओ, बहुत ही डिलीशियस हमारी खीर देखने में लग रही है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी थी। तो इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए मैं खीर में फिर से एक उबाल आने देती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने इसमें 2-4 चम्मच पानी ऐड किया था ना, तो खीर थोड़ी सी पतली हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे और कुक होने दूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने चावल का कंडेंस्ड मिल्क तैयार किया था, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप पतले दूध से भी जब भी खीर बनाएं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, ताकि आपकी दूध का खीर बहुत ही गाढ़ा और रबड़ीदार बन जाए। यहाँ पे जो मैंने इलायची को कूट करके रखा था, उसके छिलके को हटाकर मैं उसके बीज को इसमें ऐड कर दी हूँ। उसी के साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे हाई फ्लेम पर मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए हमें कुक कर लेना है,
ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा 2-3 चम्मच जो पानी आ गया था उसकी वजह से खीर थोड़ी सी पतली हो चुकी है, तो इसमें थोड़ी सी और थिकनेस आ जाए। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ। 2 से 3 मिनट में ही जैसे इसमें उबाल आ जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दूँगी। तो देखिए हमारी खीर में उबाल आ चुकी है और इसे उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको कलछी में इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। तो देखिए हमारी कंसिस्टेंसी बस इसी तरीके की होनी चाहिए। जब मैं इसमें कलछी में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो लाइन वापस में मिल नहीं रहे हैं, यानी कि हमारी खीर की कंसिस्टेंसी बस इसी तरीके की होनी चाहिए और हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो इसी स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और हमारी खीर को ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। यदि आप चाहें तो आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, बट आप खीर को ठंडी करके फ्रिज में खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब चलिए मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से मैं इसे डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर टेस्टी हमारी ये खीर बन करके तैयार हुई है। ये कैरमल खीर है, तो अक्सर तो हम लोग वो रेगुलर वाली खीर तो बनाते ही है, तो नेक्स्ट बार जब आप खीर बनाएंगे हो तो इस तरीके से कैरमल खीर बनाएं और कुछ नया ट्राई करते हुए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी ये खीर। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रेखा की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।